जिला झलमक्सी की दरगाह फतेहपुर में महफिल समा जारी थी कि नमाज मगरिब से कुछ पहले जोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर दरगाह के दाखिली गेट से अंदर दाखिल हुआ। पुलिस एहलकार ने रोकने की कोशिश की और उसे थोड़ा आगे जाकर पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमारा बाप बहुत बहादुर था और उसने दरगाह फतेहपुर में दहशतगर्द को पकड़ा और बड़ी बहादुरी दिखाई। हमें फख्र है अपने बाप। धमाके के बाद हर तरफ चीखो पुकार मच गई। 10 से ज्यादा लोग मौके पर जाँ भाग हो गए और मुतादिद जख्मी हुए। फौरी तौर पर रेस्क्यू एहलकारों और मकामी लोगों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने दरगाह को घेरे में ले लिया। धमाके में शदीद जख्मी होने वाले 18 अफराद को कोयटा, लाड़काना, जैकबाबाद और शहदाद कोर्ट में पहुँचाया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। DIG शर्जील खरल ने दरगाह में धमाके की जगह का मुआयना किया और सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की। DIG ने खुदकुश हमलावर को पकड़ने के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकार बहार खान को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस एहलकार खुदकुश हमलावर को ना पकड़ता तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। दरगाह फतेहपुर में 2005 में उर्स के दौरान लंगर की तकसीम जारी थी कि बम धमाका हुआ जिसमें 300 से ज्यादा अफराद जाँ भाग और मुतादिद जख्मी हुए थे।